सो मिशन सक्सेसफुल हो चुका मेरा गाइस, ऐसी कोई चीज नहीं है जो शायद मैं ना कर सकूं। ओह गॉड, आज तो दिल पे ले लिया था इन्होंने। पहले तो क्विट कर दिया था, मैं नहीं बना पा रहा। और ये सब लाई है वो लंदन से। यस, लंदन से। लुक एट दिस अमेजिंग ओपन चीज पिज्जा। कर ले कर ले कर ले, कोई नहीं, कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। हेलो, वेलकम बैक। सो गाइस, कैसे हो आप सब? तो यहाँ बच्चा मेरा खेली खेली कर रहा है, थोड़ा सा रो रहा है। वो दूध दूध दे दो, दूध दूध। मिल्क पीना है? मिल्की मिल्की पीनी है? हैं, आवाज़ तो आपको आ रही होगी। तो बस थोड़ी देर में बस शुरू होने वाला है। तो इसका बाजा बहुत ज़ोर से बजता है कई बारी, तो कई बार बिल्कुल शांत। तो गाइज, आज मेरी किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है। तो बहुत दिनों से कुछ अच्छा सा, कुछ ढंग का सा घर पे प्रिपेयर्ड कुछ खाया नहीं था। तो दुआ जी मेरे लिए क्या बना रहे हैं वो मैं आपको दिखाने चलती हूँ। और मीन वाइल इसका अभी मिल्क भी प्रिपेयर करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके 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 बेबी। दूध पीना? चलो आओ 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 आओ। अच्छा अच्छा, मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। ओके बाय, मैं थोड़ी देर में आपको किचन में लेके चलती हूँ। तो ये रहा जी दुआ जी, किचन में क्या बना रहे हैं आज आप? ओपन चीज, ओपन पिज्जा। ओपन पिज्जा? या वाओ। तो मैंने आपको बताया ना, बहुत टाइम से मैंने कुछ खाया नहीं था अच्छा सा घर पे बना हुआ। ये इतना सिंपल रेसिपी है कि आप अपने मतलब बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आराम से बड़े उससे बना सकते हो। घर पे बाहर का ना खिला के उनको घर का खिलाओ। और बहुत यम्मी बनता है, आपके बच्चे एंजॉय भी करेंगे इन सबको। और घर पे बना हुआ बिल्कुल वो सारी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है ना, बिल्कुल वो वेजिटेबल्स बच्चों को खिला दो उसमें। बिल्कुल। तो ये अभी हल्का सा चीज, हमने इसमें क्या क्या डाला बता? ऑनियन, कैप्सिकम, टमेटोज, पनीर और हल्की सी मैक्रोनी जो बॉईल करके उसको इसमें डाल दिया। और आप अपने हिसाब से जुकीनी डाल सकते हो, बेल पेपर्स डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो। और ये हल्का सा चीज़ लग रहा है, पिज्ज़ा टॉपिंग लग चुकी हैं। और ये अभी वेजिटेबल्स इसके ऊपर जाएंगी और फिर इसको उससे हम सीजनिंग से गार्निश करेंगे, हल्का सा चीज़ लगाएंगे और फिर ये चीज़ टॉपिंग होगी। और ये बनेगा इसके अंदर, ओटीजी के अंदर। यस, बहुत ही बढ़िया बेक होता है। और जब इसकी शक्ल निकलेगी ना, मैं आपको तब दिखाती हूँ। और मैं आपको एक बात और बताया था, जब लड़की वाले मुझे पहली बार देखने आए थे तो मैंने उनको यही खिलाया था। मतलब कि मतलब समझ गए ना? हाँ हाँ, समझ गए। मैं बोलना नहीं चाह रही, तो मतलब सस्ते में टकराया था तुमने। सस्ते में क्या, बढ़िया चीज है। सस्ते में नहीं, ठीक कराया था। पूछ ले अपनी दीदी से। अच्छा, हाँ बेकार था ये। हाँ, कह रहे क्या खिला दिया था जसप्रीत ने। मैंने कहा अच्छा।18 kg तक के बच्चे का यार भाई। अरे यार दुआ जी, कैसन कब बातें करते हो? कैसे बात करते हो रे? तोड़ना देना डब्बा। हेलो यार, ये क्या बात होती है तोड़ना देना डब्बा? मतलब दोबारा पैक हो सके इसमें। तो फिर कैसे खोलेगा मुझे क्या बता? ये तो निकलेगा। अच्छा चलो ठीक है, खोलो। भाई अब तो ऐसे ही गिफ्ट आएंगे। हाँ, ये गिफ्ट कौन लाया? इसका सलीम, मतलब सलीम जग्गी इसके चाचू। सॉरी, मेरे चाचू नहीं, इसके चाचू। ये देखो भाई साहब, इतना चला। नोनू के चाचू, चाचू लाए ना, चाचू है ना। थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू चाचू। ओए टॉयज टॉयज, ये देख टॉयज टॉयज। मनो और दिखाओ। हां नो, बढ़िया। अभी इसको सेट करते हैं ना। ये सीखना है, ये इसकी मैनुअल बुक। मैनुअल बुक देखो, एच भी है भाई। क्या क्या? हाँ, तो वो पूरा सेटअप होगा, ये पूरा बिल्ड करना पड़ेगा। एक ही बार बिल्ड होगा और साइड में रख देंगे। हाँ, मुझे भी लग रहा है। उसके बाद ये पैक तो होने से रहा नहीं होगा, है ना?
क्योंकि पेच वेच का काम है तो दोबारा कौन खोलेगा यार। भैया सीधी सीधी बात है, हमें सिर्फ खोलना आता है, डिसमेंटल करना आता है हमें। सो गाइज जस्ट वेट करो, आप थोड़ा इसको बनाने की कोशिश करते हैं कैसे होगा ये। हाँ, और फिर आपको दिखाते हैं, पर थोड़ा सा हम भी समझ लेना। चलो गाइज इसको बनाते हैं, थोड़ा सा ये रेडी जब होता ना तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। और बताना किस किस को प्रॉब्लम हुई थी ये बनाने में, या सबके लिए आसानी से बन गया था, जिस जिसके घर में है। ऑलराइट, ये भी है कुछ बढ़ता है इधर। हाँ तो इसका साथ में होगा ना सायरन वायरन एंड ऑल, कुछ म्यूजिकल टाइप सा जैसे होता है वैसे सा कुछ होगा। हाँ जी दुआ जी, सो मिशन सक्सेसफुल हो चुका मेरा गाइस। ऐसी कोई चीज नहीं है जो शायद मैं ना कर सकूं। ओह गॉड, आज तो दिल पे ले लिया था इन्होंने, पहले तो क्विट कर दिया था, मैं नहीं बना पा रहा यार। बट फाइनली देख के उसके मुंह पे ना लगे, क्योंकि अब उसका ना मुंह पूरा ऊपर तक नहीं जा रहा, छोटा है हमारा बच्चा। हाँ जी हेलो हेलो, सो आई एम बैक। तो ये कुछ कपड़े आए हैं हमारे मास्टर दुआ जी के लिए, ऑल वाइट। कौन लाया है वो आपको बताते हैं, पहले कपड़े दिखाते हैं आपको। ये रहे जी, छोटा सा क्यूट सा वाइट कलर की ड्रेसेस हैं इसकी, और मैं ये देख रही हूँ सब कुछ वाइट है। कुछ तो कलर दे देते भाई, मतलब बहन किसी की, अब तो समझ गए होंगे है ना। ये देखो ये भी वाइट वाइट रॉम्पर्स है ना, और ये एक तीन का सेट रॉम्पर्स का, 1, 2 and 3। ओप्स, तो ये भी वाइट है, कलर्ड। वेयर आर द कलर्स, कलर्स आर मिसिंग। चलो खैर एनीवेज, ये छोटी सी क्यूट सी टोपी है इसकी, और ये बिब्स, क्योंकि ये खाने के टाइम पर बहुत गिराता है इसलिए ये बिब्स हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट सा ब्लैंकेट, ये भी वाइट है। तो गाइज ये वाइट का जो राज है मैं आपको बताना चाहूँगी, और ये छोटे से क्यूट से शूज़, ये भी वाइट है, वाइट एंड ब्लैक। गाइज ये मैं बताना चाहूँगी आपको, शिखा दीदी लेकर के आई हैं मास्टर छोटू से दुआ जी के लिए, क्यूट से कपड़े हैं बहुत, थैंक यू सो मच शिखा दी। और ये सब लाई हैं वो लंदन से, यस लंदन से। तो ये न्यूट्रल कलर लेकर के आए, पहले डिसाइड हो गया था कि ना लड़का है ना लड़की है, तो हम ऐसा कलर लेंगे जो दोनों को आ जाए। सो थैंक यू सो मच। तो फाइनली भाई बन चुका है, ऑफ कर दिया है मैंने इसको, और ये देखो भाई क्या चीज आई है फाइनल, लुक एट दिस अमेजिंग ओपन चीज पिज्जा, ओपन बर्गर कहते हैं इसको हम, क्योंकि ये बर्गर जो आते हैं ना उसी के ऊपर मैंने पूरी टॉपिंग डाल के बनाया हुआ। तो आप भी ट्राई करें भाई, बहुत सिंपल है, घर पे बनाओ मजेदार, हम इसे इंजॉय करते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। फाइनली हमारा ओपन पिज्ज़ा आ चुका है, ओपन बर्गर पिज्ज़ा, और हमारे दुआ जी दूध पी रहे हैं। मैडम जी प्लीज हैव दिस, इतना यम्मी लग रहा है ना वायरल, सीरियसली। तो अभी इसको मतलब मैं, अब ये देखो रंगत देखो भाई, कितनी बढ़िया रंगत आई है, और हमने इसके अंदर मैक्रोनी, कैप्सिकम, पनीर, टमाटर, प्याज, सब जो चीज़ें बढ़िया है ना वो सब डाल रखी है, और दो तरीके की चीज़ डाले, एक मोजरेला और एक अमूल का चीज़ स्लाइस, दोनों। मैक्रोनी पिज्जा नहीं लॉन्च किया था, एग्जैक्टली कंपनी ने, मैं नाम नहीं लूंगी फिर कहेंगे यार कुछ ना कुछ। हाँ जो भी है, तो किसी कंपनी ने मैक्रोनी पिज्जा लॉन्च किया था ना, ये वाला वैसे सा लुक दे रहा है। पता है इसकी कैसा टेस्ट आएगा, मतलब मैक एंड चीज लगेगा तुम्हें, तुम्हें लगेगा कि आप मैक एंड चीज खा रहे हो, तो ये देखो थोड़ा सा हल्की सी, बस अरे बढ़िया होता ही तो मज़ेदार लगेगा। अब मैडम जी खा के बताएंगी इसको कि टेस्ट कैसा है। दुआ जी बस एक बार दूध ख़त्म कर लें उसके बाद, दो मिनट, और ये दुआ जी ने दूध ख़त्म कर लिया है। यू आर सो चालाक ब्रो, यू आर सो चालाक। क्यों डकार दिलाते हो, लेता ही नहीं है। ले तब तक खा ले, तब तक तू उसको डकार दिला। भाई मज़ेदार टेस्ट है, बाहर के पिज्जाज मंगाते हैं ना हम, मतलब फेल है इन सब के आगे, फेल। अमेजिंग यम्मी चीज, यम्मी, घर बनाओ और इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा।
लीजिए जनाब, हमारे शहनशाह दूध पी रहे हैं और आज फिर बज चुके हैं रात के 2। आज क्या परेशानी है मैडम ये बताओ आप। अरे यार परेशानी क्या है, परेशानी बताओ। फिनिश, वेरी गुड, बता दो क्या परेशानी है आज बताइए। अभी डायपर चेंज हो रहा था, नैपी गिल्ली हो चुकी थी और ये पजामी गिल्ली हो चुकी थी। अभी जस्ट 2 महीने का पहले दूध पिला देती हूँ, डायपर तो मैं पीछे से बाद में ऊपर करूंगी। पर अभी प्रॉपर पहना भी नहीं है डायपर महाराज जी ने, और पड़ 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 तो मैं यही बोल रही थी, जो मजा है ना, जो मजा नया डायपर गंदा करने में है ना, वो पुराना डायपर गंदा करने में कहाँ है मम्मी। सही बात है। मतलब कि अभी जस्ट पहनाया है और अभी नया पहनाना पड़ेगा, है ना। हो गई चेम चेम, हो गई तेरी चेम चेम। ओ तो गाइस 2:05 हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं, और क्या हुआ है, क्या हुआ है, इस महाराज ने क्या किया है? सारे कपड़े चेंज कर दिए हैं मैंने। हाँ, नाइट सूट दोबारा पहनाया है इसको बनाने के बाद, फिर पोटी कर दी इसने फिर पोटी कर दी है इसलिए। मैं नहीं चेंज कर रही, कर ले कोई नहीं, कर ले मैं नहीं कर रही, देख रो रहा हूँ, कर ले चुप। तो भाई रात के बज रहे 3 और फिर से डायपर चेंज करके अब उसको सुला दिया, अब हम भी सो रहे हैं और मिलते हैं आपको कल इसके फर्स्ट मंथ के बर्थडे की सेलिब्रेशन में। बाय बाय।